लोगों, मेरे अभिभावक और समाजवादी परंपरा के सबसे सशक्त हस्ताक्षरों में से एक पिछले आधी सदी से हिंदुस्तान की सियासत को एक अद्भुत नजीर पेश करने वाले आप लोग जान देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शाह यादव जी, बिहार के बेहद यशस्वी और माझी जी, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सहनी जी, आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, सभी पार्टियों के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, यह चुनाव एक ऐसे मोड़ पर हो रहा है जबकि हिंदुस्तान की आत्मा को कुचला जा रहा है, उसको कैसे बचाएं, यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी न सिर्फ हमारे नेताओं पर है बल्कि बिहार की 11 करोड़ जनता पर भी है, जिसको एक रास्ता देने का काम शरद जी ने किया था महागठबंधन बनाकर, जिसको कि भूल सुधृत करके यहाँ के भस्मासुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रख के यहाँ की जनता को छलने का काम किया, आपके वोट को, आपकी ताकत को नाली में बहाने का काम किया, और शरद जी ने घूम घूम कर जिस तरह से उस नफरत गर्व की राजनीति को बेनकाब करने की पहल की, वो अपने आप में अनोखी है, उसको तारीफ याद रखेगा। साथियों, जैसे जहानाबाद के एमपी को सुनने का चुनाव नहीं है, हमारे अभिभावक विस्तार से बोलेंगे, मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता, उनकी सोहबत में, उनकी छाव में हमने समाजवाद का तकहरा सीखा है, अभी भी सीखने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ से अगर सुरेंद्र जी को जिताएंगे तो केंद्र में जो नई सरकार बनने जा रही है, भारत को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, ठीक उसके बाद 2020 में बिहार का चुनाव होगा और उसमें बिहार को एक नौजवान यशस्वी, वजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री भी मिलेगा। गर्त में जा रही है, इस देश को लोचा मोचा खसोटा गया है और किसानों की बदहाली के क्या कहने हैं, जबकि कृषि मंत्री कहते हैं कि नपुंसक लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना बयान कुछ हो नहीं सकता। 500 करोड़ रुपये नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ लिखावे पर विज्ञापन पर खर्च किया, ये किनके पैसे, ये आपके पैसे थे, आपके बैठने से गए हुए पैसे थे। तो जो कहते हैं कि माल महाराज का मिर्जा फेरे होली, तो ये वैसे ही मुख्यमंत्री आपको मिले हुए हैं, इनको उतार कर गद्दी से बंगाल की खाड़ी में फेंकने का आज आप संकल्प लें, और सुरेंद्र यादव जी को जहानाबाद की धरती से, जहाँ से जगदेव बाबू ने सबसे पहले शोषित समाज की बात की, 90 बनाम 10 की बात की, और इसका मतलब यह नहीं है कि 10 के साथ कोई दुर्व्यवहार होगा, बल्कि जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 14% किया, आदरणीय राबड़ी जी ने झारखंड बनने के बाद उस 14% को बढ़ाकर 18% किया, आज शरद यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना करो, सारे जातियों की गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या बारी है उसको उतनी हिस्सेदारी दे दो। तेजस्वी ने भी ऐलान किया है कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर हम 40% करेंगे, इसलिए आप महागठबंधन के प्रत्याशी को लाल कंचा पर बटन दबाकर 19 तारीख को भारी मतों से जिताकर हिंदुस्तान के सभी पंचायत में भेजने का काम करें, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी और नई सरकार में शरद यादव जी निर्णायक भूमिका में होंगे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी निर्णायक भूमिका में होंगे, मुकेश भाई की जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है, सुरेंद्र यादव जी को आप जिताए और जहानाबाद से मजबूत संदेश दें। बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, शरद जी जिंदाबाद, लालू राम जी जिंदाबाद, भाई तेजस्वी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, लाल जिंदाबाद।